चुके हैं, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह से सब इंतजार करते हैं। 2 से 3 घंटे का वक्त यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसके बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह का नाम यहाँ पर तय है। और सबसे अहम बात यह है, देखिए इससे पहले कहा गया था कि वो मेरिट के लिए रवाना हुए हैं, आपको बता दूं कि वो अपने आवास पर ही मौजूद है। इससे पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वहां से रवाना हुए, वो लाल सिंह के घर पर थे। लाल सिंह जो कि चेयरमैन है एग्रीकल्चर के, बहुत करीबी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के, उनके आवास पर थे और उनके आवास से अब वो अपने आवास पर मौजूद हैं। वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यहां आने का कार्यक्रम कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जेडब्ल्यू मैरिट से ही ऐलान किया जाएगा नाम का कि आखिर पंजाब का सीएम कौन होगा। हालांकि इससे पहले बताओ कि दिल्ली से भी लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है, राहुल गांधी, अंबिका सोनी मौजूद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत कर रही है, तो अंदर भी अलग ही चल रहा है। फीडबैक यहां पर दे दिया गया है, नाम लगभग तय माना जा रहा है और इंतजार, जैसा कि कह भी रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा कि इंतजार हम कर रहे हैं और जैसे ही यहां पर कुछ फाइनल होता है, जैसे ही यहां पर ऐलान होगा जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन लगभग नाम फाइनल है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम यहाँ पर तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि एक दो नाम और जो साथ साथ चल रहे थे कि हाँ ये हो सकते हैं आगे पीछे, बहुत सारे कयास लगाए गए हैं, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेडब्ल्यू मैरिट के अंदर घंटों से मीटिंग चल रही है, न कोई बाहर आ रहा है लेकिन अंदर जाने वालों की कतार जरूर लगी हुई है। हालांकि बीच में कुछ विधायक भी बाहर निकल कर आए, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत अगर हो रही होगी तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से कोई बना तो शायद वो उसका विरोध करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। हाल ही में जो विधायक दल की बैठक हुई, जो जानकारी मिल रही है, लगभग 40 के आसपास विधायक थे जिन्होंने उनके नाम का समर्थन किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह नाम भी सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि सीधे मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी या फिर फ्लोर टेस्ट में जाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है और इसका एक एक उदाहरण ये भी है। देखिए अभी आपने कहा कि सुखजिंदर सिंह, क्योंकि ये आज ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे पे चले गए, लेकिन बहुत करीबी थे, गुड बुक में थे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के। 3 बार विधायक रहे हैं और अभी भी हाल ही में मंत्रालय संभाल रहे थे, जेल और कॉपरेटिव का जिम्मा इनके इनके कांधों पर था और बहुत ही करीबी भी रहे हैं। अब ऐसे में पाला बदलना या फिर हो सकता है जैसे स्थिति देखे हो, और इसलिए उन्होंने कहा, देखिए आपने भी अभी सुनाया हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जिस तरह से वो कह भी रहे थे कि पिता तुल्य है, पिता समान, और काम करने के लिए 4 महीने या 4 दिन भी बहुत होती है, लेकिन अगर आपकी नियत साफ हो, आपकी मंशा हो। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दोनों बयान एक दूसरे के इतर है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर उनके पिता तुल्य है ताकि वो खेमा उनको सपोर्ट करे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि काम करने के लिए 4 महीने काफी होते हैं, तो क्या वो सवाल भी उठा रहे हैं कि 4.5 साल में काम नहीं हुआ? बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ब्रॉट टू यू बाय अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। गांव गांव, शहर शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदले, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा ना होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें, पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिए। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ए सर्किट रेडी नेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडी नेट फाइबर नेट, डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जम्मू में होगा बाहर सिलेक्ट, अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जम्मू में होगा बाहर सिलेक्ट, बाहर सिलेक्ट द हेरिटेज पान मसाला बाय पान बाहर। कैप्टन अमरिंदर मेरे पिता की तरह काम करने के लिए 4 महीने क्या 4 दिन भी काफी होते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। आप मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ आप सेट हुए नहीं, 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरे को स्थान मिलेगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काम करेंगे आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा। सही है, सुखजिंदर सिंह उन 42 विधायकों में शामिल रहे सुखजिंदर सिंह जिन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर की समाप्ति का विरोध किया था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया था। चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी श्वेता मिश्रा लगातार बनी हुई है। श्वेता, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है
क्योंकि कल तक यह कहा जा रहा था कि आला कमान की तरफ से जो नाम आएगा उस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह का नाम, इसका मतलब यह कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो नाम भेजा गया है उस पर आला कमान की मोहर लग रही है, क्योंकि लगभग 78 में से अगर 40 ने सहमति उनके नाम पर दी, मतलब नाम पंजाब से गया है, आला कमान ने सहमति दी। बिल्कुल विजेंदर, ये तो तय है। देखिए, और इसलिए तो इतनी रश्राकशी थी, इसलिए तो इतनी कवायद चल रही थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी सामने आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, एटलीस्ट ये कहा जाएगा कि देखिए इतने विधायक जब इस नाम के साथ हैं तो हम इसी पर मुहर लगाएंगे। आलाकमान के ऊपर डाला गया, अगर आलाकमान को खुद ही निर्णय लेना होता तो सीधे एक नाम आ जाता, ना कि 1-to-1 होता, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, ना ही सबसे फीडबैक लिया जाता, ना ही आंकड़े जानने की कोशिश की जाती कि अगर हम एक नाम रख रहे हैं, अगर हम सुखजिंदर की बात कर रहे हैं तो उनको साथ कितने विधायक हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा पूरी प्रोसेस हुआ और यही इसीलिए वक्त देखिए सुबह से अब ये शाम होने को आई है। लेकिन इतना जरूर तय है कि नाम तय है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे माना जा रहा है, क्योंकि उनके घर पर भी अभी जिस तरह से अपडेट हमें मिल रही है विजेंदर, उनके घर पर हलचल तेज हो गई है। कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है, जिनमें से तृप्ति बाजवा उनके घर पर मौजूद है, मुस्तफा परगट सिंह, और इसके अलावा भी और भी विधायक है जो इस वक्त सुखजिंदर सिंह के आवास पर मौजूद है। हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दो मुख्यमंत्री भी यहां पर तय माने जा रहे हैं, जिसमें अरुणा चौधरी और भरत भूषण आशू हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि देखिए सीएम कौन होगा, पंजाब की कमान कौन संभालेगा, भले ही 6 महीने के लिए ही सही, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने भी किया कि 4 महीने हो या 4 दिन काम करना हो तो काम करने के लिए वक्त बहुत होता है। और ये बिल्कुल अब ये उन्होंने अपने लिए बात कही या किसी और पर सटायर किया, ये एक अलग बात है। लेकिन एक और जानकारी मिली कि राज्यपाल से वक्त मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, तो ये एक खबर और आ रही है। हालांकि देखते हैं कि कुछ ही देर बाद इस पे पुष्टि भी हो जाएगी, हालांकि इंतजार इसी लेकर ही हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा सब कुछ तय है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल से सुखजिंदर सिंह ने वक्त मांगा, इसका मतलब ये कि नाम पूरे तरीके से फाइनल और वो मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव उनको सौंपने वाले हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग फाइनल, आधिकारिक घोषणा होना बाकी, सवाल मेरा आपसे यह है कि राज्यपाल से वक्त मांगा गया ऐसी भी जानकारी मिली है, क्या फ्लो टेस्ट की नौबत आ सकती है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति दे पाएंगे? देखिए, मैं अभी वापस से सुखजिंदर जो रंधावा है, जो लेटेस्ट अपडेट अभी मेरे जो सोर्स बता रहे हैं वो होल्ड पे चले गए हैं उनका नाम, और कोई दलित सीएम बनाने की बात वापस से चल पड़ी है यहाँ पर, और ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। इधर मैं दिल्ली की आपको अपडेट ये देना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी हैं उनकी पंजाब कांग्रेस को लेकर जो गहमा गहमी के बीच में राहुल गांधी अंबिका सोनी के साथ बैठक खत्म करके अपने घर से बाहर निकले। अदिति, एक बार आपसे दोबारा मैं सुनना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, कोई दलित सीएम होगा, क्या ये माने कि दलित सिख समाज का कोई सीएम होगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं अभी आपसे बात करते करते मेरे सोर्स ने जो अपडेट दिया है, हालांकि कई बार क्रॉस चेक करने के बाद, क्योंकि क्या हर पल पॉलिटिक्स बदल रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का नाम में पहले एक नाम ऐसा था विजया का, जो मंत्री रह चुके हैं, जो कि उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से आते थे, मिस्टर सिंगला, उनको डिप्टी सीएम बना के उनके नाम पे विरोध हो गया, उसके बाद नाम बदल गए, और अब आपको बता दें कि दलित सीएम बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, जो दलित चेहरा हो, और सुखजिंदर का नाम फिलहाल होल्ड पे, हालांकि उन्होंने गवर्नर से टाइम भी मांगा है। तो तमाम घटनाक्रम के बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली में पंजाब कांग्रेस को लेकर जो गहमा गहमी के बीच में राहुल गांधी और अंबिका सोनी की जो पिछले 2.5 घंटे से बैठक चल रही थी, वो बैठक से दोनों साथ रवाना हो चुके हैं, और जहां तक है वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं। अदिति, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में कहा जाता है, वो वर्तमान स्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू के पाले से नजर आते हैं, और कैप्टन अमरिंदर साफ कर चुके हैं कि अगर उनका पसंदीदा या फिर कहें कि उनके खेमे से नहीं होगा तो फिर वो आगे की भविष्य की राजनीति अपने हिसाब से करेंगे। ऐसी स्थिति में फ्लो टेस्ट हो सकता है और वहां कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है, क्या ये वो तमाम पॉइंट जो सुखजिंदर के खिलाफ जा सकते हैं या चले गए हैं? विजेंद्र, अगर आप सही मायने में माने तो आज कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे नाम कल से लेकर अब तक में चर्चा में किए गए,
जैसे कि अंबिका सोनी को तो आला कमान ने सीधे मुख्यमंत्री बनने की बात से उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा भी सुखजिंदर रंधावा का नाम कल शाम से चर्चा में था और आज सुबह के 11 बजे की होने वाली सीएलपी बैठक में इस पर मोहर लगनी थी। फिर एक समय ऐसा भी आया कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी आया मुख्यमंत्री पोस्ट पे, पर उनके नाम पे विरोध हो गया। उसके बाद त्रिप सिंह बाजवा का नाम आया। उसके बाद जो दूसरे बाजवा हैं जिन्होंने पहले पीसीसी पर रह चुके हैं उनका नाम लगभग फाइनल हो गया। जब अंबिका सोनी ने मना किया तो उनका नाम एकदम फाइनल हो चुका था और ये हुआ कि शाम को इसको डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन फिर नाम होल्ड किया गया, फिर वापस सुखजिंदर रंधावा का नाम आ गया। अच्छा अदिति, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हर जगह ये खबरें हैं कि अरुणा चौधरी और भारत भूषण आशु, ये दो चेहरे जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे लगभग तय है, क्या इसको भी माना जाए कि इसमें भी फेरबदल अब हो सकता है? क्योंकि अगर सुखजिंदर के नाम में फेरबदल होगा तो मुमकिन इनमें भी फेरबदल हो जाए। जाहिर तौर पर मैं वही विजेंद्र आपको कहना चाह रही हूँ, जब तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो जाता, देखिए इनको जो भी नाराज सेने हैं और कास्ट समीकरण है उनको बैलेंस आउट करना है यहाँ पर। ऐसे में जो मुखिया होगा, जो सीएम होगा, उसके अलावा वाली कास्ट को वहां नहीं करेंगे। जो दो नाम आपने लिए वो फिलहाल लेटेस्ट नाम थे, उससे पहले चन्नी और विजय जो उनका सिंगला, उनका नाम यहाँ पर चल रहा था डिप्टी सीएम पे। सिंगला एकदम खास, मैं आपको रोकना चाहूंगा अदिति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरी सहयोगी चंडीगढ़ से श्वेता मिश्रा लगातार बनी हुई है। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति वहां बदलती हुई नजर आई, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि सुखजिंदर के घर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बिल्कुल विजेंदर, और यही वजह है कि देखिए वहां पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी यहां से विधायक निकले नहीं, कुछ विधायक पहले निकल चुके थे, कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और आना जाना लगा हुआ है, लेकिन विधायक नहीं, क्योंकि जेएडब्ल्यू मैरियट है, दूसरे लोग भी हैं, कस्टमर्स भी हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन नजर लगातार हम बनाकर रखे हुए हैं। हलचल तेज है, लेकिन अब हलचल ज्यादातर सुखजिंदर के आवास पर हो चुकी है तेज। रंधावा के घर पर मौजूदगी विधायकों की, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि कुछ विधायक वहां पर है और उसके अलावा भी बहुत सारे विधायक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिंबल ऑफ क्या, जिस तरह से अदिति भी कह रही है कि देखिए हर पल यहां पर बदल रहा है, हर पल एक तरफ जानकारी मिलती है कि इनका लगभग है और उसके बाद दूसरा नाम आ जाता है, फिर रेस में आगे पीछे चलने लगते हैं कि कहीं पर सहमति बन रही है, कहीं पर विरोध हो रहा है, फिर नाम बदलता है, लेकिन अभी तक में जो जानकारी यहां पर जिस तरह से गहमा गहमी चंडीगढ़ में है, यह जरूर कहा जा रहा है कि सुखजिंदर के नाम पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर से सीधे कनेक्शन दिल्ली से है, राहुल गांधी से है, वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। दिल्ली से रिपोर्ट कुछ इस तरीके की भी मिल रही है जो मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति बता रही है कि शायद भारत भूषण, माफ कीजिएगा, सुखजिंदर सिंह के नाम को होल्ड कर दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, कुछ इस तरीके की जानकारी वहां पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्यपाल से सुखजिंदर सिंह ने मिलने का वक्त मांगा है। बिल्कुल, और ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है विजेंदर, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए जानकारी निकल कर आती है, कई बार होती है कि मुहर एग्जैक्टली लगती है और कई बार होता है कि कुछ बदलाव हो जाते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी में जो खबर आई, जो जानकारी आई, वो यही मिल रही है। और जिस तरह से गहमा गहमी सुखजिंदर के आवास पर भी है, इसके अलावा सुबह के वक्त में जरूर सुनील जाखड़ के आवास पर गहमा गहमी थी, वहां पर विधायक पहुंच रहे थे, यहां पर सिद्धू मौजूद थे, लग रहा था बहुत कुछ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो जो माहौल गर्व है वो सबसे ज्यादा है सुखजिंदर के आवास पर, क्योंकि माना जा रहा है कि रंधावा का ही नाम तय होगा। हालांकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, अनाउंसमेंट के पहले तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता विजेंद्र, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ बदल भी जाए। हमारी सहयोगी अदिति भी लगातार बनी हुई है। अदिति, लगातार ये खबरें फ्लो हो रही है कि सुखजिंदर ने राज्यपाल से वक्त मांगा है मिलने के लिए। अब ऐसे में अगर सुखजिंदर से पीछे कांग्रेस हटती है, आलाकमान पीछे हटती है, तो फिर एक और धड़ा वहां तैयार होगा, वहां से तो स्थिति और गंभीर होगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता ने एक बात कही थी, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि एक मोमेंट अभी ये, अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सुखजिंदर का नाम एक बार तय हो चुका हो था, और लगभग उन्होंने जिस तरीके से ये बातें छन के बाहर आ रही है कि उन्होंने गवर्नर से टाइम मांगा है, तमाम चीजें हैं जी। और कई बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लो के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभी दिल्ली से खबर आई। लेकिन अदिति, आप तो लंबे वक्त से पॉलिटिकली मूवमेंट को देखते आए हैं, जब कोई चेहरा या जब कोई नाम इस तरीके की स्थिति में राज्यपाल से मिलने की बात करे, इसका मतलब ये कि वहां तक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है आधिकारिक तौर पर, तभी तो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा होगा। बिल्कुल आप सही
सही कह रहे हैं, अगर राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है तो इसका मतलब यही होता है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हरी झंडी दे दी गई है और वो जाके सरकार बनाने का दावा करेंगे। बिल्कुल तमाम तरीके की चीजें ऐसी ही होती हैं हमेशा से। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर एक मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट है। कल से लेकर अब तक जहाँ पर दो पर्यवेक्षक, जिसमें अजय माथुर तो राजस्थान में भी आके कह चुके हैं कि मैं दिल्ली हूँ, वो खुद वहां पहुंचे हुए हैं, हरीश चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग हरीश रावत वहां हैं, लगातार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां के मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में कितना कंफ्यूजन है, कितनी कंसेंसस नहीं बन पा रही है, तमाम चीजें, आपको लगता है कि माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री में फाइनल होता है, उसके बाद तो डिप्टी सीएम होता है, फिर पूरे मंत्री परिषद मंत्री बनते हैं, तमाम चीजें होती हैं, क्या उसके बाद भी शांति बनी रहेगी? ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है जी, बिल्कुल अभी, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो अभी अशांति ही अदिति नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस कंफ्यूजन के पीछे की एक और वजह हो सकती है। वजह यह हो सकती है कि विधायक दल की बैठक हुई, अब जो रिपोर्ट आलाकमान को भेजी गई होगी, हो सकता है उसमें ज्यादा बहुमत सुखजिंदर सिंह के नाम पर आया हो और वहां से खबर फ्लो हुई हो कि ज्यादा विधायकों का समर्थन इनके पास, इसलिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जबकि हमने कांग्रेस में ना जाने कितनी बार यह देखा है कि आलाकमान वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी तरफ से नाम को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है, कहीं यहाँ यही कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया? देखिए, चॉइस है ही ऐसी, पहला क्या आपको सरदार भी बनाना है, हिंदू को भी, हिंदू चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते हो या साइड नहीं कर सकते हो, दलित चेहरे को आप नकार सकते हो, इसकी और इससे बड़ी बात है कि आप ना नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के लाना चाहते हो, ना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमे का कोई लाना चाहते हो, आप कोई ऐसा न्यूट्रल फेस लाना चाहते हो जो आलाकमान के क्लोज हो, फिर आप दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाना चाहते हो कि कास्ट समीकरण भी बैलेंस हो और सीएम की भी पावर बैलेंस होती रहे। तो जब भी कांग्रेस में आज तक जो गलतियां की हैं वो यही रही है कि उन्होंने एक पावर सेंटर की जगह हमेशा दो पावर सेंटर बनाए हैं, जिसके नतीजा खींचतान होता है। लेकिन अब ये थर्ड पावर सेंटर इंट्रोड्यूस करके ये और खींचतान करना चाहते हैं या पावर बैलेंस करना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन कंफ्यूजन है आलाकमान के स्तर पर भी, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि हम थोपे भी नहीं, थोपना होता जब अंबिका सोनी जाकर आज मुख्यमंत्री पद का दावा करके शपथ लेती, पर अंबिका सोनी को बनाने का दिल ही तमन्ना थी। अंबिका सोनी अहमद पटेल के बाद अगर सबसे क्लोज कोई क्योंकि जानकारी कुछ इस तरीके की, 30 के आसपास विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। जाहिर है एक अलग तरीके की राजनीति वहां हो रही है, इसका मतलब ये कि जेडब्ल्यू मैरियट जहां आप मौजूद हैं वहां ज्यादा से ज्यादा 45 के आसपास विधायक होंगे। क्या वहां मूवमेंट तेजी से बढ़ रही है या माने कि दो खेमे अलग अलग एकदम दिखाई देने लगे हैं? बिल्कुल विजेंदर, अलग अलग दिखाई देने लगे शायद इसलिए भी क्योंकि तय हो चुका है। देखिए, जिस तरह से हम रंधावा के जिक्र कर रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग फाइनल हो गया, उनके आवास की बात करो, जिस तरह से अभी अपडेट मिल रही है वहां पर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, बुके वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा, और यहां तक कि कुछ विधायक ये कह रहे हैं, अरे बधाई तो आप सुखजिंदर जी को दीजिए, सीएम तो यही बन रहे हैं। और इस पर भी सुखजिंदर रंधावा ये नहीं कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सीधे कह रहे हैं कि देखिए मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि औपचारिक ऐलान नहीं होता है, बाकी ठीक है विधायक अपनी खुशी मान रहे हैं या विधायकों का लग रहा है तो मुझे, मेरे लिए वो ठीक ही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, औपचारिक ऐलान। वहां पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, यानी सुखजिंदर रंधावा के आवास पर गतिविधियां तेज हैं, यहां पर अभी कोई बाहर नहीं निकला है, अभी इंतजार ही किया जा रहा है कि जो लोग अंदर हैं, पर्यवेक्षक प्रभारी समेत जो विधायक यहां पर अंदर मौजूद है, कम से कम वो बाहर आए, अनाउंसमेंट हो, वो वक्त आ जाए कि हां अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, हालांकि कुछ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर जारी है, एक दो विधायक अभी अभी अंदर गए हैं, लेकिन बाद में बात करने का उन्होंने इशारा जरूर किया कि वो बाद में बात करेंगे, अभी वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन इतना जरूर तय है कि देखिए उनके आवास पर गहमा गहमी है, मैरियट में भी यहाँ गहमा गहमी है कि कुछ विधायक यहाँ से निकलने वाले तो निकल चुके हैं, लेकिन वो लोग निकल गए हैं जो आवास पर पहुंच गए होंगे, आप बधाई देने के लिए गए होंगे, लेकिन अभी भी जो अंदर मौजूद है वो अंदर ही है, इंतजार यही किया जा रहा है क्योंकि ऐलान यही से होना है विजेंदर। अब नाम वो सुखजिंदर रंधावा हो या फिर एट मोमेंट में कोई और हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से माहौल कह सकते हैं बने रही है, अदिति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सियासी पेच एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है कि सियासत में अब कैप्टनशिप किसके पास होगी कांग्रेस की।
एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट। बड़ी खबर का रुख करते हैं पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बन गई है। पंजाब कांग्रेस कमेटी ने आलाकमान को रंधावा का नाम भेजा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस दौरान दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं पंजाब में, एक सिख और एक दलित को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अरुण चौधरी और भारत भूषण आशु को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इन सब पर जब सुखविंदर सिंह रंधावा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर मेरा नाम नहीं आता तब तक मुझे कुछ भी नहीं कहना। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कैप्टन अमरिंदर मेरे पिता की तरह है, यानी कि पिता तुल्य है। थोड़ा हो या कम, काम करने के लिए 4 महीने क्या 4 दिन भी काफी होते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। आप में मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ आप सेट हुए नहीं, 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरे को स्थान मिलेगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ जो 6 महीने में हो जाएगा, काम करेंगे आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा, होगा जरूर। चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुके हैं। श्वेता, चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद उन तक भी जानकारी लग गई, लेकिन वो भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास आधिकारिक तौर पर आलाकमान से बताया जाए कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। चंडीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, उनके आसपास क्या कुछ चल रहा है, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल विजेंदर, गहमा गहमी तेज हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह से सब इंतजार करते थे, 2 से 3 घंटे का वक्त यहां पर कहा जा रहा था कि इसके बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह का नाम यहां पर तय है। और सबसे अहम बात यह है, देखिए इससे पहले कहा गया था कि वो मेरिट के लिए रवाना हुए हैं, आपको बता दो कि वो अपने आवास पर ही मौजूद है। इससे पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वहां से रवाना हुए वो लाल सिंह के घर पर थे। लाल सिंह जो कि चेयरमैन है एग्रीकल्चर के, बहुत करीबी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के, उनके आवास पर थे और उनके आवास से अब वो अपने आवास पर मौजूद हैं। वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यहां आने का कार्यक्रम कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जेडब्ल्यू मैरिट से ही ऐलान किया जाएगा नाम का कि आखिर पंजाब का सीएम कौन होगा। हालांकि इससे पहले बताऊं कि दिल्ली से भी लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है, राहुल गांधी अंबिका सोनी मौजूद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत कर रही है, तो अंदर भी अलग ही चल रहा है फीडबैक। यहां पर दे दिया गया है नाम लगभग तय माना जा रहा है और इंतजार, जैसा कि कह भी रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा की, इंतजार हम कर रहे हैं और जैसे ही यहां पर कुछ फाइनल होता है, जैसे ही यहां पर ऐलान होगा जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन लगभग नाम फाइनल है विजेंदर, रजिंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम यहां पर तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि एक दो नाम और जो साथ साथ चल रहे थे कि हाँ ये हो सकते हैं आगे पीछे, बहुत सारे कयास लगाए गए हैं, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेडब्ल्यू मैरिट के अंदर घंटों से मीटिंग चल रही है, ना कोई बाहर आ रहा है, लेकिन अंदर जाने वालों की कतार जरूर लगी हुई है। हालांकि बीच में कुछ विधायक भी बाहर निकल कर आए, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत अगर हो रही होगी तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से कोई बना तो शायद वो उसका विरोध करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं।
हाल ही में जो विधायक दल की बैठक हुई, जो जानकारी मिल रही है लगभग 40 के आसपास विधायक थे जिन्होंने उनके नाम का समर्थन किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह नाम भी सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि सीधे मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी या फिर फ्लोर टेस्ट में जाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है और इसका एक उदाहरण ये भी है। देखिए अभी आपने कहा कि सुखजिंदर सिंह, क्योंकि ये आज ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे पे चले गए लेकिन बहुत करीबी थे, गुडबुक में थे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के, तीन बार विधायक रहे हैं और अभी भी हाल ही में मंत्रालय संभाल रहे थे, जेल और कोऑपरेटिव का जिम्मा इनके इनके कांधों पर था और बहुत ही करीबी भी रहे हैं। अब ऐसे में पाला बदलना या फिर हो सकता है जैसे स्थिति देखे हो, और इसलिए उन्होंने कहा, देखिए आपने भी अभी सुनाया हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जिस तरह से वो कह भी रहे थे कि पिता तुल्य है, पिता समान है और काम करने के लिए चार महीने या चार दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपकी नियत साफ हो, आपकी मंशा हो। बड़ी खबर का रुख करते हैं पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा, लगातार ये खबरें फ्लो हो रही है कि सुखजिंदर ने राज्यपाल से वक्त मांगा है मिलने के लिए। अब ऐसे में अगर सुखजिंदर से पीछे कांग्रेस हटती है, आलाकमान पीछे हटती है, तो फिर एक और धड़ा वहां तैयार होगा, वहां से तो स्थिति और गंभीर होगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता ने एक बात कही कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि एक मोमेंट अभी ये अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सुखजिंदर का नाम एक बार तय हो चुका हो था और लगभग उन्होंने जिस तरीके से ये बातें छन के बाहर आ रही हैं कि उन्होंने गवर्नर से टाइम मांगा है, तमाम चीजें हैं जी। और कई बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लो के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभी दिल्ली से खबर आई। लेकिन अदिति, आप तो लंबे वक्त से पॉलिटिकली मूवमेंट को देखते आए हैं, जब कोई चेहरा या जब कोई नाम इस तरीके की स्थिति में राज्यपाल से मिलने की बात करे, इसका मतलब यह कि वहां तक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है आधिकारिक तौर पर, तभी तो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है तो इसका मतलब यही होता है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हरी झंडी दे दी गई है और वो जाके सरकार बनाने का दावा करेंगे। बिल्कुल, तमाम तरीके की चीजें ऐसी ही होती हैं हमेशा से। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर एक मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट है। कल से लेकर अब तक जहाँ पर दो पर्यवेक्षक, जिसमें अजय माथुर तो राजस्थान में भी आके कह चुके हैं कि मैं दिल्ली हूँ, वो खुद वहां पहुंचे हुए हैं, हरीश चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग हरीश रावत वहां हैं, लगातार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां के मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में कितना कंफ्यूजन है, कितनी कंसेंसस नहीं बन पा रही है, तमाम चीजें, आपको लगता है कि माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री में फाइनल होता है, उसके बाद तो डिप्टी सीएम होता है, फिर पूरे मंत्री परिषद मंत्री बनते हैं, तमाम चीजें होती हैं, क्या उसके बाद भी शांति बनी रहेगी? ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है जी, बिल्कुल। अभी लेकिन राजनीतिक तौर पर तो अभी अशांति ही अदिति नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस कंफ्यूजन के पीछे की एक और वजह हो सकती है, वजह यह हो सकती है कि विधायक दल की बैठक हुई, अब जो रिपोर्ट आलाकमान को भेजी गई होगी, हो सकता है उसमें ज्यादा बहुमत सुखजिंदर सिंह के नाम पर आया हो और वहां से खबर फ्लो हुई हो कि ज्यादा विधायकों का समर्थन इनके पास, इसलिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जबकि हमने कांग्रेस में ना जाने कितनी बार यह देखा है कि आलाकमान वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी तरफ से नाम को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है, कहीं यहाँ यही कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया? देखिए चॉइस है ही ऐसी, पहला कि आपको सरदार भी बनाना है, हिंदू को भी, हिंदू चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते हो या साइड नहीं कर सकते हो, दलित चेहरे को आप नकार सकते हो, इसकी और इससे बड़ी बात है कि आप ना नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के लाना चाहते हो, ना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमे का कोई लाना चाहते हो, आप कोई ऐसा न्यूट्रल फेस लाना चाहते हो जो आलाकमान के क्लोज हो, फिर आप दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाना चाहते हो कि कास्ट समीकरण भी बैलेंस हो और सीएम की भी पावर बैलेंस होती रहे। तो जब भी कांग्रेस में आज तक जो गलतियां की हैं वो यही रही है कि उन्होंने एक पावर सेंटर की जगह हमेशा दो पावर सेंटर बनाए हैं, जिसके नतीजा खींचतान होता है। लेकिन अब ये थर्ड पावर सेंटर इंट्रोड्यूस करके ये और खींचतान करना चाहते हैं, ये पावर बैलेंस करना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन कंफ्यूजन है आलाकमान के स्तर पर भी, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि हम थोपे भी नहीं, थोपना होता जब अंबिका सोनी जाकर आज मुख्यमंत्री पद का दावा करके शपथ लेती, पर अंबिका सोनी को बनाने का दिली तमन्ना थी। अंबिका सोनी अहमद पटेल के बाद अगर सबसे क्लोज कोई सोनिया गांधी से है तो अंबिका सोनी है। मिश्रा लगातार बनी हुई है श्वेता, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है
क्योंकि कल तक यह कहा जा रहा था कि आला कमान की तरफ से जो नाम आएगा उस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह का नाम, इसका मतलब यह कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो नाम भेजा गया है उस पर आला कमान की मोहर लग रही है, क्योंकि लगभग 78 में से अगर 40 ने सहमति उनके नाम पर दी, मतलब नाम पंजाब से गया है, आला कमान ने सहमति दी है। बिल्कुल विजेंदर, ये तो तय है। देखिए, और इसलिए तो इतनी रस्साकशी थी, इसलिए तो इतनी कवायद चल रही थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी सामने आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, एटलीस्ट ये कहा जाएगा कि देखिए इतने विधायक जब इस नाम के साथ हैं तो हम इसी पर मुहर लगाएंगे। आलाकमान के ऊपर डाला गया, अगर आलाकमान को खुद ही निर्णय लेना होता तो सीधे एक नाम आ जाता, ना कि 1-to-1 होता, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, ना ही सबसे फीडबैक लिया जाता, ना ही आंकड़े जानने की कोशिश की जाती कि अगर हम एक नाम रख रहे हैं, अगर हम सुखजिंदर की बात कर रहे हैं तो उनको साथ कितने विधायक हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा पूरी प्रोसेस हुआ और यही इसीलिए वक्त सुबह से अब ये शाम होने को आई है। लेकिन इतना जरूर तय है कि नाम तय है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे माना जा रहा है, क्योंकि उनके घर पर भी अभी जिस तरह से अपडेट हमें मिल रही है विजेंदर, उनके घर पर हलचल तेज हो गई है। कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है, जिनमें से तृप्ति बाजवा उनके घर पर मौजूद है, मुस्तफा परगट सिंह, और इसके अलावा भी और भी विधायक है जो इस वक्त सुखजिंदर सिंह के आवास पर मौजूद है। हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दो मुख्यमंत्री भी यहां पर तय माने जा रहे हैं, जिसमें अरुणा चौधरी और भरत भूषण आशु हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि देखिए सीएम कौन होगा, पंजाब की कमान कौन संभालेगा, भले ही 6 महीने के लिए ही सही, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने भी किया कि 4 महीने हो या 4 दिन काम करना हो तो काम करने के लिए वक्त बहुत होता है। और ये बिल्कुल अब ये उन्होंने अपने लिए बात कही या किसी और पर सटायर किया, ये एक अलग बात है। लेकिन एक और जानकारी मिली कि राज्यपाल से वक्त मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, तो ये एक खबर और आ रही है। हालांकि देखते हैं कि कुछ ही देर बाद इस पर पुष्टि भी हो जाएगी, हालांकि इंतजार इसी लेकर ही हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब कुछ तय है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी खबर का रुख करते हैं पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बन गई है, पंजाब कांग्रेस कमेटी ने आलाकमान को रंधावा का नाम भेजा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस दौरान दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं पंजाब में, एक सिख और एक दलित को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अरुण चौधरी और भारत भूषण आशु को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस पर जब सुखविंदर सिंह रंधावा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर मेरा नाम नहीं आता तब तक मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कैप्टन अमरिंदर मेरे पिता की तरह यानी कि पिता तुल्य है, थोड़ा हो या कम काम करने के लिए 4 महीने क्या 4 दिन भी काफी होते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुन। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं, आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ आप सेक्ट हुए नहीं, 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरा स्थान मिलूगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ जो 6 महीने में हो जाएगा काम करेंगे आप। मेरी बात एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता नहीं किसका होगा, होगा चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुके हैं। श्वेता, चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद उन तक भी जानकारी लग गई, लेकिन वो भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास आधिकारिक तौर पर आलाकमान से बताया जाए कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। चंडीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, उनके आसपास क्या कुछ चल रहा है, कुछ जानकारी मिल पाई?
बिल्कुल विजेंदर, गहमा गहमी तेज हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह से सब इंतजार करते हैं, 2 से 3 घंटे का वक्त यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसके बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह का नाम यहाँ पर तय है। और सबसे अहम बात यह है, देखिए इससे पहले कहा गया था कि वो मेरिट के लिए रवाना हुए हैं, आपको बता दूं कि वो अपने आवास पर ही मौजूद है। इससे पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वहां से रवाना हुए, वो लाल सिंह के घर पर थे। लाल सिंह जो कि चेयरमैन है एग्रीकल्चर के, बहुत करीबी है सुखजिंदर सिंह रंधावा के, उनके आवास पर थे और उनके आवास से अब वो अपने आवास पर मौजूद हैं। वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी यहां आने का कार्यक्रम कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जेडब्ल्यू मैरिट से ही ऐलान किया जाएगा नाम का कि आखिर पंजाब का सीएम कौन होगा। हालांकि इससे पहले बताओ कि दिल्ली से भी लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है, राहुल गांधी अंबिका सोनी मौजूद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत कर रही है, तो अंदर भी अलग ही चल रहा है, फीडबैक यहां पर दे दिया गया है, नाम लगभग तय माना जा रहा है और इंतजार, जैसा कि कह भी रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा कि इंतजार हम कर रहे हैं और जैसे ही यहां पर कुछ फाइनल होता है, जैसे ही यहां पर ऐलान होगा जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन लगभग नाम फाइनल है विजेंदर, रजिंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम यहाँ पर तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि एक दो नाम और जो साथ साथ चल रहे थे कि हाँ ये हो सकते हैं आगे पीछे, बहुत सारे कयास लगाए गए हैं, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेडब्ल्यू मैरिट के अंदर घंटों से मीटिंग चल रही है, न कोई बाहर आ रहा है लेकिन अंदर जाने वालों की कतार जरूर लगी हुई है। हालांकि बीच में कुछ विधायक भी बाहर निकल गए हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लगभग कंफर्म माना जा रहा था, बीच में चर्चा शुरू हो गई है दलित सीएम को लेकर भी। आगे बढ़ते हैं, कोरोना के मामलों में गिरावट देखते हुए राजस्थान सरकार ने कल से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए स्कूल को खोलने की घोषणा की है। राज्य सरकार इसके लिए चरणबद्ध तरीके से फिर से स्कूलों को खोलने जा रही है। कल स्कूल खुलने से पहले स्कूल प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, इससे समझने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ने जानी ग्राउंड की हकीकत कि बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम हैं जो उठाए गए हैं, आपको दिखाता है। कल प्रदेश भर में जहां 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं खुलने वाली है, सरकार ने इस चीज के निर्देश दे दिए हैं। लगातार ये खबरें फ्लो हो रही है कि सुखजिंदर ने राज्यपाल से वक्त मांगा है मिलने के लिए। अब ऐसे में अगर सुखजिंदर से पीछे कांग्रेस हटती है, आलाकमान पीछे हटती है, तो फिर एक और धड़ा वहां तैयार होगा, वहां से तो स्थिति और गंभीर होगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता ने एक बात कही कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि एक मोमेंट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सुखजिंदर का नाम एक बार तय हो चुका था और लगभग उन्होंने जिस तरीके से ये बातें छन के बाहर आ रही हैं कि उन्होंने गवर्नर से टाइम मांगा है, तमाम चीजें हैं और कई बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लो के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभी दिल्ली से खबर आई। लेकिन अदिति, आप तो लंबे वक्त से पॉलिटिकली मूवमेंट को देखते आए हैं, जब कोई चेहरा या जब कोई नाम इस तरीके की स्थिति में राज्यपाल से मिलने की बात करे, इसका मतलब यह है कि वहां तक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है आधिकारिक तौर पर, तभी तो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है तो इसका मतलब यही होता है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हरी झंडी दे दी गई है और वो जाके सरकार बनाने का दावा करेंगे। बिल्कुल, तमाम तरीके की चीजें ऐसी ही होती हैं हमेशा से। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर एक मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट है, कल से लेकर अब तक जहाँ पर दो परीक्षक जिसमें अजय माथुर तो राजस्थान में भी आके कह चुके हैं कि मैं दिल्ली हूँ, वो खुद वहां पहुंचे हुए हैं, हरीश चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग हरीश रावत वहां हैं, लगातार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां के मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में कितना कंफ्यूजन है, कितनी कंसेंसस नहीं बन पा रही है, तमाम चीजें, आपको लगता है कि मानिए सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री में फाइनल होता है, उसके बाद तो डिप्टी सीएम होता है, फिर पूरे मंत्री परिषद मंत्री बनते हैं, तमाम चीजें होती हैं, क्या उसके बाद भी शांति बनी रहेगी? ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है जी, बिल्कुल अभी, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो अभी अशांति ही अदिति नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस कंफ्यूजन के पीछे की एक और वजह हो सकती है, वजह यह हो सकती है कि विधायक दल की बैठक हुई, अब जो रिपोर्ट आलाकमान को भेजी गई होगी, हो सकता है उसमें ज्यादा बहुमत सुखजिंदर सिंह के नाम पर आया हो और वहां से खबर फ्लो हुई हो कि ज्यादा विधायकों का समर्थन इनके पास, इसलिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जबकि हमने कांग्रेस में ना जाने कितनी बार यह देखा है कि आलाकमान वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी तरफ से नाम को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है, कहीं यहाँ यही कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया? देखिए चॉइस है ही ऐसी, पहला कि आपको सरदार भी बनाना है,
हिंदू को भी, हिंदू चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते हो या साइड नहीं कर सकते हो, दलित चेहरे को आप नकार सकते हो। इसके और इससे बड़ी बात है कि आप ना नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के लाना चाहते हो, ना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमे का कोई लाना चाहते हो, आप कोई ऐसा न्यूट्रल फेस लाना चाहते हो जो आला कमान के क्लोज हो, फिर आप दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाना चाहते हो कि कास्ट समीकरण भी बैलेंस हो और सीएम की भी पावर बैलेंस होती रहे। तो जब भी कांग्रेस में आज तक जो गलतियां की हैं वो यही रही है कि उन्होंने एक पावर सेंटर की जगह हमेशा दो पावर सेंटर बनाए हैं जिसके नतीजा खींचतान होता है, लेकिन अब ये थर्ड पावर सेंटर इंट्रोड्यूस करके ये और खींचतान करना चाहते हैं, ये पावर बैलेंस करना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन कंफ्यूजन है आला कमान के स्तर पर भी, क्योंकि आला कमान चाहता है कि हम थोपे भी नहीं, थोपना होता जब अंबिका सोनी जाकर आज मुख्यमंत्री पद का दावा करके शपथ लेती, पर अंबिका सोनी को बनाने का दिल ही तमन्ना थी। अंबिका सोनी अहमद पटेल की बात अगर सबसे क्लोज कोई सोनिया गांधी से है तो अंबिका सोनी है। अदिति मिश्रा लगातार बनी हुई है, श्वेता तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है क्योंकि कल तक यह कहा जा रहा था कि आला कमान की तरफ से जो नाम आएगा उस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह का नाम, इसका मतलब यह कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो नाम भेजा गया है उस पर आला कमान की मोहर लग रही है, क्योंकि लगभग 78 में से अगर 40 ने सहमति उनके नाम पर दी, मतलब नाम पंजाब से गया है, आला कमान ने सहमति दी। बिल्कुल विजेंदर, ये तो तय है। देखिए, और इसलिए तो इतनी रश्याकशी थी, इसलिए तो इतनी कवायद चल रही थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी सामने आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, एटलीस्ट ये कहा जाएगा कि देखिए इतने विधायक जब इस नाम के साथ हैं तो हम इसी पर मुहर लगाएंगे। आलाकमान के ऊपर डाला गया, अगर आलाकमान को खुद ही निर्णय लेना होता तो सीधे एक नाम आ जाता, ना कि 1-to-1 होता, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, ना ही सबसे फीडबैक लिया जाता, ना ही आंकड़े जानने की कोशिश की जाती कि अगर हम एक नाम रख रहे हैं, अगर हम सुखजिंदर की बात कर रहे हैं तो उनको साथ कितने विधायक हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा पूरी प्रोसेस हुआ और यही इसीलिए वक्त था कि सुबह से अब ये शाम होने को आई है। लेकिन इतना जरूर तय है कि नाम तय है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे माना जा रहा है, क्योंकि उनके घर पर भी अभी जिस तरह से अपडेट हमें मिल रही है विजेंदर, उनके घर पर हलचल तेज हो गई है, कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है, जिनमें से तृप्ति बाजवा उनके घर पर मौजूद है, मुस्तफा परगट सिंह, और इसके अलावा भी और भी विधायक है जो इस वक्त सुखजिंदर सिंह के आवास पर मौजूद है। हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दो मुख्यमंत्री भी यहां पर तय माने जा रहे हैं जिसमें अरुणा चौधरी और भरत भूषण आशु हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि देखिए सीएम कौन होगा, पंजाब की कमान कौन संभालेगा, भले ही 6 महीने के लिए ही सही, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने भी किया कि 4 महीने हो या 4 दिन काम। लगातार ये खबरें फ्लो हो रही है कि सुखजिंदर ने राज्यपाल से वक्त मांगा है मिलने के लिए। अब ऐसे में अगर सुखजिंदर से पीछे कांग्रेस हटती है, आलाकमान पीछे हटती है, तो फिर एक और धड़ा वहां तैयार होगा, वहां से तो स्थिति और गंभीर होगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता ने एक बात कही कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि एक मोमेंट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सुखजिंदर का नाम एक बार तय हो चुका हो था, और लगभग उन्होंने जिस तरीके से ये बातें छन के बाहर आ रही है कि उन्होंने गवर्नर से टाइम मांगा है, तमाम चीजें हैं जी। और कई बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लो के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभी दिल्ली से खबर आई। लेकिन अदिति, आप तो लंबे वक्त से पॉलिटिकली मूवमेंट को देखते आए हैं, जब कोई चेहरा या जब कोई नाम इस तरीके की स्थिति में राज्यपाल से मिलने की बात करे, इसका मतलब यह है कि वहां तक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है आधिकारिक तौर पर, तभी तो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अगर राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है तो इसका मतलब यही होता है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हरी झंडी दे दी गई है और वो जाके सरकार बनाने का दावा करेंगे। बिल्कुल, तमाम तरीके की चीजें ऐसी ही होती हैं हमेशा से। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर एक मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट है, कल से लेकर अब तक जहाँ पर दो पर्यवेक्षक जिसमें अजय माथुर तो राजस्थान में भी आके कह चुके हैं कि मैं दिल्ली हूँ, वो खुद वहां पहुंचे हुए हैं, हरीश चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग हरीश रावत वहां हैं, लगातार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां के मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में कितना कंफ्यूजन है, कितनी कंसेंसस नहीं बन पा रही है, तमाम चीजें, आपको लगता है कि मानिए सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री में फाइनल होता है, उस बार तो डिप्टी सीएम होता है, फिर पूरे मंत्री परिषद मंत्री बनते हैं, तमाम चीजें होती हैं, क्या उसके बाद भी
शाम की बनी रहेगी। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है जी बिल्कुल अभी, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो अभी अशांति ही अदिति नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस कंफ्यूजन के पीछे की एक और वजह हो सकती है, वजह यह हो सकती है कि विधायक दल की बैठक हुई, अब जो रिपोर्ट आलाकमान को भेजी गई होगी, हो सकता है उसमें ज्यादा बहुमत सुखजिंदर सिंह के नाम पर आया हो और वहां से खबर फ्लो हुई हो कि ज्यादा विधायकों का समर्थन इनके पास, इसलिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जबकि हमने कांग्रेस में ना जाने कितनी बार यह देखा है कि आलाकमान वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी तरफ से नाम को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है, कहीं यहाँ यही कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया? देखिए चॉइस है ही ऐसी, पहला कि आपको सरदार भी बनाना है, हिंदू चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते हो या साइड नहीं कर सकते हो, दलित चेहरे को आप नकार सकते हो। इसकी और इससे बड़ी बात है कि आप ना नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के लाना चाहते हो, ना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमे का कोई लाना चाहते हो, आपको ऐसा न्यूट्रल फेस लाना चाहते हो जो आलाकमान के क्लोज हो। फिर आप दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाना चाहते हो कि कास्ट समीकरण भी बैलेंस हो और सीएम की भी पावर बैलेंस होती रहे। तो जब भी कांग्रेस में आज तक जो गलतियां की हैं वो यही रही है कि उन्होंने एक पावर सेंटर की जगह हमेशा दो पावर सेंटर बनाए हैं, जिसके नतीजा खींचतान होता है। लेकिन अब ये थर्ड पावर सेंटर इंट्रोड्यूस करके ये और खींचतान करना चाहते हैं या पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन कंफ्यूजन है आलाकमान के स्तर पर भी, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि हम थोपे भी नहीं, थोपना होता जब अंबिका सोनी जाकर आज मुख्यमंत्री पद का दावा करके शपथ लेती, पर अंबिका सोनी को बनाने का दिल ही तमन्ना थी। अंबिका सोनी अहमद पटेल की बात अगर सबसे क्लोज कोई सोनिया गांधी है तो अंबिका सोनी है। मिश्रा लगातार बनी हुई है श्वेता, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है क्योंकि कल तक यह कहा जा रहा था कि आलाकमान की तरफ से जो नाम आएगा उस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह का नाम, इसका मतलब यह कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो नाम भेजा गया है उस पर आलाकमान की मोहर लग रही है, क्योंकि लगभग 78 में से अगर 40 ने सहमति उनके नाम पर दी, मतलब नाम पंजाब से गया है, आलाकमान ने सहमति दी। बिल्कुल विजेंदर, ये तो तय है। देखिए और इसलिए तो इतनी रस्साकशी थी, इसलिए तो इतनी कवायद चल रही थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी सामने आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, एटलीस्ट ये कहा जाएगा कि देखिए इतने विधायक जब इस नाम के साथ हैं तो हम इसी पर मुहर लगाएंगे। आलाकमान के ऊपर डाला गया, अगर आलाकमान को खुद ही निर्णय लेना होता तो सीधे एक नाम आ जाता, ना कि 1-to-1 होता, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, ना ही सबसे फीडबैक लिया जाता, ना ही आंकड़े जानने की कोशिश की जाती कि अगर हम एक नाम रख रहे हैं, अगर हम सुखजिंदर की बात कर रहे हैं तो उनको साथ कितने विधायक हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा पूरी प्रोसेस हुआ और यही इसीलिए वक्त सुबह से अब ये शाम होने को आई है। लेकिन इतना जरूर तय है कि नाम तय है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे माना जा रहा है, क्योंकि उनके घर पर भी अभी जिस तरह से अपडेट हमें मिल रही है विजेंदर, उनके घर पर हलचल तेज हो गई है। कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है, जिनमें से तृप्ति बाजवा उनके घर पर मौजूद है, मुस्तफा परगट सिंह और इसके अलावा भी और भी विधायक है जो इस वक्त सुखजिंदर सिंह के आवास पर मौजूद है। हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दो मुख्यमंत्री भी यहां पर तय माने जा रहे हैं, जिसमें अरुणा चौधरी और भरत भूषण आशू हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि देखिए सीएम कौन होगा, पंजाब की कमान कौन संभालेगा, भले ही 6 महीने के लिए ही सही, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने भी किया कि 4 महीने हो या 4 दिन काम करना हो तो काम करने के लिए वक्त बहुत होता है। और ये बिल्कुल अब ये उन्होंने अपने लिए बात कही या किसी और पर सटायर किया ये एक अलग बात है, लेकिन एक और जानकारी मिली कि राज्यपाल से वक्त मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, तो ये एक खबर और आ रही है। हालांकि देखते हैं कि कुछ ही देर बाद इस पे पुष्टि भी हो जाएगी, हालांकि इंतजार इसी लेकर ही हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा सब कुछ तय है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर का रुख करते हैं पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बन गई है, पंजाब कांग्रेस कमेटी ने आलाकमान को रंधावा का नाम भेजा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस दौरान 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं पंजाब में, 1 सिख और 1 दलित को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अरुण चौधरी और भारत भूषण आशु को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इन सब पर जब सुखविंदर सिंह रंधावा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर मेरा नाम नहीं आता तब तक मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कैप्टन अमरिंदर मेरे पिता की तरह है, यानी कि पिता तुल्य है, थोड़ा हो या कम काम करने के लिए 4 महीने क्या 4 दिन भी काफी होते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। आप मैं आपको एक बात बता दूं
कि सरकार के लिए चार महीने नहीं चार दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो मुख्यमंत्री बना दो वो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ आप सेट हुए ने, 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरा स्थान मिलूगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काम करेंगे आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता नहीं किसका होगा, होगा जरूर। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुके हैं। श्वेता, चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद उन तक भी जानकारी लग गई, लेकिन वो भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास आधिकारिक तौर पर आलाकमान से बताया जाए कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। चंडीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, उनके आसपास क्या कुछ चल रहा है, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल विजेंदर, गहमा गहमी तेज हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह से सब इंतजार करते हैं। 2 से 3 घंटे का वक्त यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसके बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह का नाम यहाँ पर तय है। और सबसे अहम बात यह है, देखिए इससे पहले कहा गया था कि वो मैरिट के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दूं कि वो अपने आवास पर ही मौजूद है। इससे पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वहां से रवाना हुए, वो लाल सिंह के घर पर थे। लाल सिंह जो कि चेयरमैन है एग्रीकल्चर के, बहुत करीबी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के, उनके आवास पर थे और उनके आवास से अब वो अपने आवास पर मौजूद हैं। वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यहां आने का कार्यक्रम कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जेडब्ल्यू मैरिट से ही ऐलान किया जाएगा नाम का कि आखिर पंजाब का सीएम कौन होगा। हालांकि इससे पहले बताऊं कि दिल्ली से भी लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है। राहुल गांधी, अंबिका सोनी मौजूद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत कर रही है, तो अंदर भी अलग ही चल रहा है। फीडबैक यहां पर दे दिया गया है, नाम लगभग तय माना जा रहा है और इंतजार, जैसा कि कह भी रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा कि इंतजार हम कर रहे हैं और जैसे ही यहां पर कुछ फाइनल होता है, जैसे ही यहां पर ऐलान होगा जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन लगभग नाम फाइनल है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम यहां पर तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि एक दो नाम और जो साथ साथ चल रहे थे कि हाँ ये हो सकते हैं, आगे पीछे बहुत सारे कयास लगाए गए हैं, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेडब्ल्यू मैरिट के अंदर घंटों से मीटिंग चल रही है, न कोई बाहर आ रहा है, लेकिन अंदर जाने वालों की कतार जरूर लगी हुई है। हालांकि बीच में कुछ विधायक बाहर निकल कर आए, लेकिन जो लोग हैं उनसे बातचीत अगर हो रही होगी तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से कोई बना तो शायद वो उसका विरोध करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। हाल ही में जो विधायक दल की बैठक हुई, जो जानकारी मिल रही है लगभग 40 के आसपास विधायक थे जिन्होंने उनके नाम का समर्थन किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह नाम भी सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि सीधे मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी या फिर फ्लोर टेस्ट में जाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है और इसका एक एक उदाहरण ये भी है। देखिए अभी आपने कहा कि सुखजिंदर सिंह, क्योंकि ये आज ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे पे चले गए, लेकिन बहुत करीबी थे, गुड बुक में थे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के। 3 बार विधायक रहे हैं और अभी भी हाल ही में मंत्रालय संभाल रहे थे, जेल और कोऑपरेटिव का जिम्मा इनके कांधों पर था और बहुत ही करीबी भी रहे हैं। अब ऐसे में पाला बदलना या फिर हो सकता है जैसे स्थिति देखे हो, और इसलिए उन्होंने कहा, देखिए आपने भी अभी सुनाया हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जिस तरह से वो कह भी रहे थे कि पिता तुल्य है, पिता समान, और काम करने के लिए 4 महीने या 4 दिन भी बहुत होती है, लेकिन अगर आपकी नियत साफ हो, आपकी मंशा हो। लगातार ये खबरें फ्लो हो रही है कि सुखजिंदर ने राज्यपाल से वक्त मांगा है मिलने के लिए। अब ऐसे में अगर सुखजिंदर से पीछे कांग्रेस हटती है, आलाकमान पीछे हटती है, तो फिर एक और धड़ा वहां तैयार होगा, वहां से तो स्थिति और गंभीर होगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता ने एक बात कही कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि एक मोमेंट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सुखजिंदर का नाम एक बार तय हो चुका था
और लगभग उन्होंने जिस तरीके से ये बातें छन के बाहर आ रही हैं कि उन्होंने गवर्नर से टाइम मांगा है, तमाम चीजें हैं जी। और कई बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लो के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभी दिल्ली से खबर आई। लेकिन अदिति, आप तो लंबे वक्त से पॉलिटिकली मूवमेंट को देखते आए हैं, जब कोई चेहरा या जब कोई नाम इस तरीके की स्थिति में राज्यपाल से मिलने की बात करे, इसका मतलब यह कि वहां तक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है आधिकारिक तौर पर, तभी तो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है।